Hello everyone, in today's class we are going to read our history chapter number 4, tribal societies and colonial state, tribal adivasi samuday. Societies ka meaning hota hai samuday, adivasi samuday and colonial state. Colonial means upniveshik rajya, British shasan kal ke jo upniveshik rajya the unke bare mein is chapter mein hum जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. जो इस चैप्टर में हम लोग कंटेंट्स रीड करने वाले हैं ये है ट्राइबल लाइफस्टाइल इन 19th सेंचुरी, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल लाइफ्स, मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड सच एज कॉल रिवॉल्ट एंड कॉर्न रिवॉल्ट, रीजनल फोकस सेंथॉल रिवॉल्ट एंड मुंडा रिबेलियन एंड रीजनल फोकस ऑन कासी रिवॉल्ट. Now let's start. Yutrat Singh. Yutrat Singh was a chieftain of Kasi people. He fought against the English East India Company from 1829 to 1833 CE. Yutrat Singh यह एक chieftain, एक captain के रूप में work करते थे Kasi peoples के लिए और इन्होंने संघर्ष किया था 1829 से लेकर 1833 तक अगेंस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर ए सप्रेशन ऑफ कासी अपराइजिंग बाय ब्रिटिश, यू टायरट सिंह वाज कैप्चर्ड. एक विद्रोह के दौरान जो विद्रोह उन्होंने किया था कासी के पीपल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके दौरान टायरट सिंह को कैप्चर किया गया, बंधक बनाया गया टू ढाका एंड डिपोर्टेड टू ढाका और उनको ढाका भेज दिया गया. वेयर ही डाइड ऑन 17 जुलाई 1835, जहाँ पर उनको बंधक बनाकर रखा गया और वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो गई 17 जुलाई 1835 में. 4 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज यू टायरट सिंह डे. 4 अप्रैल को यू टायरट सिंह डे के रूप में मनाया जाता है मेघालय में. एज ऑन दिस डेट कासी पीपल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ यू टायरट सिंह एंड अदर चीफ रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि यह वह दिन माना जाता है जिस दिन टायरट सिंह की लीडरशिप में और उनके अन्य प्रमुखों के समर्थन में जो पीपल्स थे उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ. इस तरह से इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाता है. ट्राइबल सोसाइटीज एंड कॉलोनियल स्टेट. ट्राइबल समाज किस तरह से फैला हुआ था और कॉलोनियल स्टेट्स किस तरह से डेवलप हुई थी. लाइफस्टाइल के रूप में अगर हम बात करें ट्राइबल लाइफस्टाइल के रूप में, तो वो हंटर गैदर्स थे, पास्टोरलिस्ट थे, लेबर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करने वाले थे और सेटल्ड एग्रीकल्चर की ओर फोकस करने वाले थे. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल लाइफ. क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है कॉलोनियल रूल्स का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, वी विल डिस्कस वन बाय वन इन दिस चैप्टर. ट्राइबल रेस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल्स. किस तरह का रेस्पॉन्स आदिवासियों की तरफ से हमें देखने को मिला उन नियमों के खिलाफ जो ब्रिटिशर्स ने उन पर लागू किए थे, जस्ट लाइक कोल रिवॉल्ट, कॉर्न रिवॉल्ट, सेंथॉल रिवॉल्ट, मुंडा रिवेलियन एंड कासी रिवॉल्ट्स. ऑल दीज डेट्स ऑफ इन दिस रिवॉल्ट्स इज मेंशन इन दिस टाइमलाइन. सभी रिवॉल्ट्स की डेट यहाँ पर टाइमलाइन के रूप में मेंशन की गई हैं. नाउ कंटिन्यू फ्रॉम द चैप्टर पार्ट. फॉरेस्ट आर वर्स्ट रेस्पॉजिटरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो फॉरेस्ट होते हैं वो विशाल संग्रहक प्लेस माने जाते हैं. संग्रहक मीन्स जहाँ पर इन सब का स्थानों का, इन सब चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्सेज का संग्रह होता है, एक बड़ा भंडार होता है, इसको हम भंडारक भी कह सकते हैं. दे ऑल्सो ऑफर शेल्टर टू मैनी पीपल्स. ये जंगल जो होते हैं वो बहुत सारे पीपल्स को शरण स्थल देने का काम करते हैं, जिसमें हम उन पीपल्स को हम आदिवासी या ट्राइबल समुदाय के रूप में डिफाइन करते हैं. सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स. जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो हज़ारों सालों से इन जंगलों में रह रही हैं. लाइक द ग्रेट एडमेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो वहाँ पर इस तरह की आदिवासी प्रजातियाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं. ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉर्म ए सब्सिस्टेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. जो आदिवासी समुदाय हैं वो एक ग्रेट पार्ट, एक सब्सिस्टेंशियल पार्ट को बिलोंग करती हैं अगर हम भारतीय जनसंख्या की बात करते हैं. मीन्स जो इनका परसेंटेज है वह भी कम नहीं माना जा सकता. दे रिप्रेजेंट ए वाइड रेंज ऑफ पीपल. आदिवासी पीपल्स के रूप में एक बड़ी संख्या, जनसंख्या के रूप में मौजूद है.
सम ऑफ वूम आर वेल इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन मेन स्ट्रीम, और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो हमारे भारत की जो प्रमुख धारा है मेन स्ट्रीम में उसमें बिलोंग करते हैं, उसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अदर हु कंटिन्यू टू लिव एज दे लिव डिड ईयर्स एगो, और कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो काफ़ी ईयर्स पहले यहाँ पर रहा करते थे। दे फॉलो ए रेंज ऑफ कस्टम्स, ये अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, अपने रिचुअल्स मनाते हैं, एंड सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिस भी इनकी अपनी होती है। ये किसी भी अन्य रीति रिवाज को अपने ऊपर लागू नहीं करने देते। मेंबर्स ऑफ ए ट्राइबल यूजुअली फॉलो कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम, अब जो भी इन आदिवासी समुदायों के सदस्य होते हैं वो कॉमन रिचुअल्स रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, और इनकी जो बिलीफ होते हैं विश्वास होते हैं किसी भी व्यवस्था में वो भी सामान्य होते हैं, एक दूसरे के लिए समान होते हैं। ए कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड लैंग्वेज बाइंड्स विद देम टुगेदर, एक समान संसार जो इनके व्यू के रूप में हमें दिखाई देता है, एक लैंग्वेज के रूप में एक दूसरे से इनको जोड़ता है। मीन्स इनकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफर होती है, और एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में ये वर्ल्ड से बाइंड होते हैं। ट्राइबल लाइफस्टाइल इन द 19th सेंचुरी, अब हम बात करेंगे उस ट्राइबल लाइफस्टाइल की जो 19th सेंचुरी में बिलोंग करता था, उस समय काल से रिलेट था। 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे आइसोलेटेड पॉकेट्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारत के सब कॉन्टिनेंट्स एरियाज हैं उन एरियाज में बड़ी संख्या में ये ट्राइबल्स ग्रुप्स रहते थे। अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इनकी जो काम करने की प्रणाली थी अपने जीवन जीने के लिए, सब्सिस्टेंस अपने लिविंग अस्तित्व के लिए, वो अलग अलग मानी जाती थी। दे इंजॉयड कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स का मीनिंग होता है रीति रिवाजों के अनुसार दिए गए अधिकार। ये जंगलों में जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे उन पर अपना कस्टमरी राइट्स रखते थे, मीन्स जंगलों में रहने के कारण उस एरिया को ये अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, ऑन विच दे डिपेंडेंट, और उन्हीं जंगली चीज़ों पर जो जंगली प्रोडक्ट्स थे उन पर ये डिपेंड करते थे। वाइल सम लिव्ड इन फॉरेस्ट एज हंटर गैदर्स, कुछ आदिवासी प्रजातियाँ ऐसी थी जो हंटर गैदर्स के रूप में जंगलों में रहती थी, मीन्स एनिमल्स का शिकार करना, जंगली फलों को कलेक्ट करना, एक गैदरर्स की भूमिका वो निभाते थे। कुछ पीपल्स ऐसे थे जो पास्टोरलिस्ट थे, पास्टोरलिस्ट्स वो पीपल्स होते हैं जो मवेशी जानवरों को पालते हैं और उनको यूज़ करते हैं, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं डोमेस्टिकेटेड फार्मिंग भी हम इसको अदर वर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदर बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर्स, और कुछ ऐसे थे जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मजदूर वर्ग के रूप में काम करते थे और कुछ सेटल्ड एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। वन बाय वन वी विल नो अबाउट देम। हंटर गैदर्स, हंटर गैदर्स कौन थे? मैनी ट्राइबल्स वर नोमैडिक हंटर गैदर्स, जितनी भी आदिवासी प्रजातियाँ थी उनमें से कुछ प्रजातियाँ ऐसी थी जो बंजारों जैसा जीवन हंटर गैदर्स के रूप में जीते थे। होम फॉरेस्ट वर इंडिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल, उनके लिए जितने भी जंगल होते थे वो उनके जीवन जीने के लिए ज़रूरी हिस्सा माने जाते थे। इंडिस्पेंसेबल मीन्स एक ज़रूरी हिस्सा माने जाते थे, एब्सोल्यूट राइट्स उनके इन जंगलों पर माने जाते थे। अमंग द हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स द कॉर्न्स ऑफ ओडिशा वर मोस्ट पॉपुलर, जो हंटर गैदरिंग आदिवासी समुदाय था उसमें कौन प्रजाति जो ओडिशा में बिलोंग करती थी उसको सबसे अधिक जनसंख्या वाली प्रजाति के रूप में जाना जाता था। इन हंटर गैदर्स की क्या विशेषताएं थी? दे असेंड द फॉरेस्ट टू हंट मीट कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स, ये जंगलों में शिकार करने के लिए यूज़ करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, फ्रूट्स जंगलों से कलेक्ट करते थे और रूट्स जड़ों को कलेक्ट करते थे। दे एक्सट्रैक्टेड कुकिंग ऑयल फ्रॉम द शीट्स ऑफ साल ट्रीज, जंगलों में पाए जाने वाले साल के जो पेड़ होते थे उनसे ये कुकिंग ऑयल्स का निर्माण करते थे, उनकी बीजों से ऑयल को निकाला जाता था। एट महुआ फ्लावर, अपने भोजन के रूप में ये महुआ फ्लावर को यूज़ करते थे, एंड यूज इट टू मेक अल्कोहल, यहाँ तक कि नशीले पदार्थ शराब के रूप में इसको भी यूज़ किया जाता था। ऑल्सो सप्लाइड कसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू वीवर्स, कलर्स के कपड़ों को कलर करने के लिए वो कसुम और पलाश के फ्लावर्स को यूज़ करते थे। इस तरह से जंगली प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन उनके द्वारा किया जाता था। फॉरेस्ट शब्द, जंगलों में पाई जाने वाली झाड़ियाँ होती थी, हर्ब्स होती थी, जड़ी बूटियाँ होती थी, उन सबको मेडिसिनल पर्पज से अपनी दवाइयों के रूप में वो यूज़ करते थे। दे हंटेड एंड कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन बिग ग्रुप्स, ये जंगलों में शिकार करना और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को बड़ी मात्रा में कलेक्ट करने का काम बड़े बड़े समूहों के रूप में किया करते थे। दे एक्सचेंज दीज प्रोडक्ट्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, जंगलों में जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे
उनको डेली यूज की चीजों के रूप में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, और इस तरह से एक सेटल्ड कम्युनिटीज के रूप में अपने पड़ोसियों के साथ रहने का ये काम करते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं इनकी अन्य समुदाय जो उसी जंगलों में रहते थे उनके साथ एक पड़ोसी जैसे व्यवहार के रूप में ये लेन देन किया करते थे उन आर्टिकल्स का जो वो जंगलों से कलेक्ट करते थे। पास्टोरलिस्ट, पास्टोरलिस्ट आपको बताया था मैंने कि ये वो ग्रुप था जो एनिमल्स रियरिंग का काम करता था, डोमेस्टिकेटेड फार्मिंग के रूप में इसको काउंट किया जाता था। ये हर्डर्स होते थे, मींस चरागाह के रूप में अपने एनिमल्स को इधर उधर घुमाना, उनको चराना और रियरिंग एनिमल्स का काम किया करते थे, और उसी से इनकी आजीविका चलती थी। दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर्स, ये अलग अलग प्लेसेस पर उस मौसम के अकॉर्डिंग मूव करते थे जिस सीजन में इनको उन एरियाज पर चारे की व्यवस्था आसानी से हो सके। मींस इन अवेलेबिलिटी कैसी है किस प्लेस पर चारे के लिए, उसी के हिसाब से इनका मूवमेंट लैंड पर डिसाइड होता था। व्हेन द फूड रिसोर्सेज एंड ग्रास ऑफ वन एरिया वर एग्जॉस्टेड, मींस अगर किसी प्लेस के जो फूड रिसोर्सेज थे या ग्रास की अवेलेबिलिटी थी वो पूरी तरह से यूज हो चुकी होती थी, एग्जॉस्टेड मींस खत्म हो चुकी होती थी, दे मूव्ड ऑन, वे उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। इस तरह के पास्टोरिस्ट समुदाय में हम लोग वैन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लंबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश के आदिवासी समुदाय को काउंट करते हैं। गैडीज ऑफ कुल्लू वर ऑल्सो सैपर्स, जो कुल्लू प्रजाति के कुल्लू प्लेस के जो गैडीज आदिवासी समुदाय है वो भी शेपर्ड्स माने जाते थे। ये भेड़ों को समूह के रूप में रखते थे। एंड द बैकवॉल्स ऑफ कश्मीर वर रियर गॉड्स, और कश्मीर का जो बैकवाल समुदाय था वो गॉड्स बकरियों को पालने का काम करता था। इस तरह से ये पास्टोरलिस्ट के रूप में जाने जाते थे। दीज पीपल लिव्ड ऑन आउटस्किर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड सोल्ड मिल्क घी एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये पीपल्स इन जंगलों में रहते थे आउटस्किर्ट्स के रूप में एक समुदाय के रूप में, और इन सब एनिमल्स की सहायता से ये मिल्क घी और अन्य प्रोडक्ट्स जो दूध से बनते हैं या मीट से बनते हैं उन सब का प्रोडक्शन करते थे और उनको बेचने का काम किया करते थे। इस तरह से पास्टोरलिस्ट समुदाय अपना वर्क करता था। नेक्स्ट टर्म है लेबरर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स। लेबर्स वो वर्ग होता है जो मजदूरों के रूप में काम करता है, इनको हम लेबरर्स पीपल्स कहते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स खेती के रूप में जो वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। वैन फॉरेस्ट सप्लाई स्ट्रेंथ, कभी कभी ऐसा होता था कि जो जंगलों के प्रोडक्ट्स होते थे, सप्लाईज होती थी, वो कम हो जाती थी, श्रंक हो जाती थी, एंड सम ट्राइबल पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर्स। तो उस कंडीशन में कुछ ट्राइबल पीपल्स ऐसे थे जो उन जंगलों से निकलकर मजदूरों के रूप में वर्क करना शुरू कर देते थे। अब किन किन प्लेसेस को वो इन वर्क के लिए यूज़ करते थे, दे वर्कड इन द फील्ड ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, और जमींदार जो जमींदारों की लैंड होती थी उन पर या सेटल्ड एग्रीकल्चर के फील्ड में वो लेबर के रूप में वर्क करते थे। दे वर ऑल्सो हायर्ड बाय प्लांटर्स, उनको कई बार प्लांटर्स जिनको हम रियॉर्ड्स भी कहते हैं, जैसा कि हमने रियॉर्ड्स कौन होते हैं ये पहले चैप्टर में जाना था, एक तरह से किसानों का एक वर्ग था जो लैंड के मालिक स्वयं माने जाते थे, उनके द्वारा भी इनको हायर किया जाता था, मजदूरी पर रखा जाता था। सम आउटर अंडरटूक वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, कुछ पीपल्स ऐसे थे जो आसपास की फैक्ट्रीज में या खदानों में काम करते थे और वहाँ पर लेबर के रूप में अपॉइंट किए जाते थे। सम डिड ऑड जॉब्स लाइक कैरिंग लॉट्स, कुछ पीपल्स ऐसे थे जो इनको अन्य प्लेसेस पर काम ना मिलने की कंडीशन में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोझा उठाने का काम भी किया करते थे, या इससे अतिरिक्त जो भी वर्क उनको मिल जाता था ऑड जॉब्स के रूप में उनको कंटिन्यू करते थे। द ट्राइबल एरियाज वर ऑफन पेनिट्रेटेड बाय ट्रेडर्स एंड मनीलैंडर्स कॉल्ड डिकोस, जो ट्राइबल एरियाज थे उनको कंट्रोल किया जाता था। पेनिट्रेटेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, कुछ व्यापारियों के द्वारा या मनीलैंडर्स के द्वारा उन वर्ग को, मीन्स उन ट्रेडर्स को और मनीलैंडर्स को जो ट्राइबल पीपल्स होते थे, अपनी लैंग्वेज में उनको डीकू की संज्ञा उनके द्वारा दी गई थी। डीकू का मीनिंग क्या होता है, आउटसाइडर्स। ये वो पीपल्स थे जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग नहीं करते थे, बाहरी एरिया से बिलोंग करते थे, इसी कारण से इनको डीकूज या आउटसाइडर्स नाम दिया गया था। द ट्रेडर्स केम टू सेल देयर गुड्स एट हायर प्राइसेस इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये वर्ग आदिवासी समुदाय तक कैसे पहुंचा, ये व्यापारी अपने सामान को जो उनके पास प्रोडक्ट्स होते थे हाई प्राइस पर
उन आदिवासी पीपल्स को बेचते थे और उनसे उनके बदले में फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राप्त करते थे। एट टाइम्स मनी लैंडर्स गेव लोन टू ट्राइबल पीपल व्हेन दे नीडेड मनी, और जब आदिवासी समूह को पैसे की जरूरत होती थी तो जो महाजन होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, वो उनको ऋण देते थे। ऑफन दीज लोन्स वर गिवन एट वेरी हाई रेट्स, और इन पर जो परसेंटेज मार्क किया जाता था ब्याज के रूप में, वो बहुत हाई होता था। फॉर मेकिंग एंड्स मीट, और इतने हाई परसेंटेज के कारण उस कर्ज को ख़त्म करने में ट्राइबल पीपल्स की पूरी लाइफ बीत जाती थी, और वो महाजन को उस ऋण को अदा नहीं कर पाते थे। इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन मनी लैंडर, और यहाँ तक कि पूरी लाइफ मनी लैंडर्स पर ही डिपेंड करते थे। मैनी ऑफ देम केम अंडर हैवी डेब्ट, यहाँ तक कि एक भारी लोन के बोझ में वो दबे रहते थे। एज ए रिजल्ट दे बिकेम बॉन्डेड लेबर्स, और उसका फ़ायदा उठाते हुए मनी लैंडर्स उनको बॉन्डेड लेबर्स मीन्स बंधुआ मजदूर के रूप में अपनी लैंड पर काम करने के लिए विवश करते थे। इस तरह से एक नई कैटेगरी इन वर्ग की क्रिएट हो गई थी, बॉन्डेड लेबर के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम किसको कहते हैं? मैनी ट्राइबल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर बट डिड नॉट सेटल डाउन एंड कंटिन्यूड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो जंगलों में आदिवासी पीपल्स रहते थे वो खेती की एक परंपरा को फॉलो करते थे, जिसको वे एक स्थान पर सेटल तो नहीं होते थे लेकिन वन बाय वन अनदर प्लेस पर मूव करते हुए खेती का वर्क किया करते थे। इस तरह की जो प्रैक्टिस होती थी उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन कहा जाता था। जूम कल्टीवेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या किया जाता है, जो लैंड होती है जंगलों की उसको खेती के लिए प्रिपेयर करने के लिए पहले फसल कटने के बाद जो अवशेष होते हैं उनको आग से जला दिया जाता है, जो उसकी आश होती है, राख होती है, उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है नेक्स्ट खेती के लिए। उसी को हम जूम प्रैक्टिस या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। जूम वाज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स मोस्टली इन फॉरेस्ट, जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे लैंड्स के, पैचेस होते थे जंगलों में, उन पर जूम प्रैक्टिस की जाती थी, मीन जूम खेती की जाती थी। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स, इसके लिए जो कल्टिवेटर्स होते थे, उत्पादक होते थे, वो क्या करते थे, जो पेड़ों की ऊपरी ब्रांचेज होती थी, शाखाएं होती थी, ट्री टॉप्स उनको कहा जाता था, उनको कट कर दिया जाता था जिससे कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुंच सके। दे बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर फॉर इट कल्टिवेशन, और उस लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए, खेती के लिए तैयार करने के लिए जो भी वेजिटेशन उस लैंड पर होती थी उसको जला दिया जाता था, और उसकी राख को, आश का मीनिंग क्या होता है, अवशेष, जो पेड़ों के जलाने के बाद अवशेष होते हैं, राख होती है, उसको आश कहा जाता है। विच कंटेन पोटाश, उस आश में पोटाश की मात्रा होती थी और इस कारण से उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जा सकता था। ट्रीज वर कट एंड सॉयल वाज प्रिपेयर्ड, इस तरह से पेड़ काटे जाते थे और मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता था, उसके बाद उसमें बीजों का रोपण किया जाता था। यह प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन में की जाती थी। दे मूव टू अनदर फील्ड वंस द क्रॉप वर रेडीज एंड हार्वेस्टेड, जब फसल तैयार हो जाती थी कटाई के लिए तब वे दूसरे स्थान को तैयार करते थे नेक्स्ट फसल को रोपने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद द लैंड वाज लेफ्ट फैलो, कुछ समय के लिए लैंड को रिक्त छोड़ दिया जाता था। फैलो का मीनिंग क्या होता है, फसलों से रहित छोड़ देना, लैंड को फसलों से रहित छोड़ देना मीन्स कुछ समय के लिए लैंड को फ्री छोड़ दिया जाता था, उस पर कोई भी फसल ग्रो नहीं की जाती थी, जिससे कि उसकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है, उसको उपजाऊपन होता है, वो रीस्टोर हो जाता था, रीगेन किया जा सकता था। इस कारण से कुछ लैंड को फैलो छोड़ दिया जाता था विदाउट एनी कल्टीवेशन। द ओनली वे बाय विच दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय वाज बाय फ्रीली मूविंग इन एंड आउट ऑफ द फॉरेस्ट यूजिंग दैम ग्रोइंग क्रॉप्स। जूम कल्टीवेशन वाज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। इस तरह से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वे था ये फ्रीली मूविंग पर डिपेंड करता था, और जब नई फसल ग्रो होती थी उसके बाद दूसरे प्लेस पर कल्टीवेशन किया जाता था। इस तरह की जो प्रैक्टिस है मोस्टली भारत में नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, मीन्स वहाँ के जो जंगल हैं जहाँ पर आदिवासी जातियाँ हैं उनके द्वारा इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एक नया प्रोसेस आता है सेटल्ड एग्रीकल्चर का। सम अदर ट्राइबल ग्रुप्स, कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी थे जस्ट लाइक मुंडाज इन छोटा नागपुर, बिगेन सेटल डाउन, ये पीपल्स एक स्थान पर सेटल्ड हो गए परमानेंटली और वहीं पर खेती करने लगे।
दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ये उस लैंड पर जो क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे वो अपनी भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया करते थे। दे यूज टू प्लॉग फॉर कल्टिवेशन, इसके लिए उपजाऊ बनाने के लिए लैंड पर सिंचाई की जाती थी। After living on a particular tract of land for years, they gradually acquire rights of ownership. यहाँ तक कि shifting agriculture के दौरान जिस land पर ये लंबे समय तक रह लेते थे, means वो land जिसको वो लंबे समय तक use कर लेते थे, कई years तक use कर लेते थे, gradually श्रेणीबद्ध रूप से वे उसके मालिक बन जाते थे, उन पर अपना मालिकाना हक वो रखते थे। In many cases, कुछ cases ऐसे थे, the land belonged to the clan as a whole. जो समुदाय होते थे इनके क्लैन समूह को बोला जाता है, यह लैंड उनके पूरे समूह से बिलोंग करती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन, जो समूह के मेंबर्स होते थे सभी को एक कॉमन एंसेस्टर पूर्वज के रूप में उस लैंड से बिलोंग माना जाता था। सम ऑफ देम अपॉइंटेड देयर ओन चीफ, कुछ पीपल ऐसे थे जहाँ पर अपने प्रमुखों को नियुक्त किया जाता था और वो उस टेरिटरी पर, उस राज्य पर जो उनके कंट्रोल में चल रहा था, उसके प्रशासन के सभी कार्य उन चीफ के द्वारा देखे जाते थे। इस तरह का जो शिफ्टिंग सेटल्ड एग्रीकल्चर की व्यवस्था थी वो आदिवासी समूह के द्वारा देखी जाती थी। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स का जब हमारे देश में आगमन हुआ तो कुछ कॉलोनियल रूल्स उनके द्वारा लागू किए गए ट्राइबल लाइफ्स को कंट्रोल करने के लिए, उन रूल्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या प्रभाव उनकी लाइफ पर देखा गया, वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट। बिफोर द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल से पहले जो ट्राइबल समुदाय थे हैड लिव्ड इन रिलेटिव आइसोलेशन, वे स्थायी रूप से जंगलों में निवास कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कॉलोनियल रूल्स का एक्सपेंशन हुआ, मींस बढ़ाव फैलाव हुआ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय सब कॉन्टिनेंट्स में एक ग्रेट चेंज देखा गया इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, इन आदिवासी समुदायों के जीवन में। कॉलोनियलिज्म रिजल्टेड इन द एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलों की जो जमीनें थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन ली गई और उन पर जो मालिकाना हक था वो ब्रिटिशर्स का हो गया। इस तरह से फॉरेस्ट के जो राइट्स थे आदिवासियों के वो उनसे छीन लिए गए बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा। यह काम किया गया एंड ऑल्सो हैड एन एडवर्स इफेक्ट, और उसका एक बुरा प्रभाव आदिवासी समुदाय की लाइफ पर देखने को मिला इन देयर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, सभी क्षेत्रों पर उनका प्रभाव देखने को मिला। क्या क्या इम्पैक्ट थे पॉलिटिकल लाइफ के रूप में, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जो उनका प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था ट्राइबल पीपल्स का, द ट्राइबल वांटेड टू ब्रिंग ट्राइबल एरियाज अंडर देयर कंप्लीट कंट्रोल। ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनके अंडर कंट्रोल में जो भी एरिया है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाए। However, they also know the danger of exposing them in mainstream society. लेकिन फिर भी वो इस बात से सजग थे कि जो आदिवासी समुदाय mainstream से जुड़े हुए हैं, समाज की main धारा से जुड़े हुए हैं, उनको अगर एक्सपोज किया गया तो वो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कदम उठाए जिससे कि धीरे धीरे ट्राइबल समाज को अपने कंट्रोल में किया जा सके। The tribal chief were allowed to enjoy their traditional rights nominally. इसके लिए उन्होंने जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, उनको अलाउ किया अपने परंपरागत अधिकारों को यूज करने का, लेकिन नॉमिनेशन के आधार पर, अंडर स्ट्रिक्ट ब्रिटिश सुपरविजन। लेकिन वो अपने अधिकारों को यूज तो करेंगे लेकिन उनके ऊपर जो सुपरविजन है वो ब्रिटिशर्स का रहेगा। द ट्राइबल चीफ्स फंक्शंस एंड पावर चेंज कम्प्लीटली, अब ट्राइबल चीफ वर्क तो करते थे, उनके कार्य तो सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन उनकी जो पावर थी वो चेंज हो चुकी थी। दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड अथॉरिटी, उनका जो प्रशासन में रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास थी, वो उनसे पूरी तरह से छीन ली गई थी, पूरा सुपरविजन ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में आ चुका था। दे हैव टू पे ट्रिब्यूट एंड डिसिप्लिन देयर ट्राइबल ग्रुप्स एज पर द कमांड्स ऑफ ब्रिटिश, वो अपने ट्राइबल समुदाय को अनुशासित रखने का काम करते थे ग्रुप के रूप में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स कमांड, जो ब्रिटिशर्स उनको कमांड देते थे उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते थे। दे जॉइंट ऑनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड वाज डिसरप्टेड व्हिच रिजल्टेड इन टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन ट्राइबल सोसाइटीज, जो उनके पास जॉइंट ऑनरशिप थी ट्राइबल समुदाय के ऊपर वो डिसरप्ट हो रही थी,
जिसका रिजल्ट ये रहा एक मेन टेंशन और एक विवाद उन ट्राइबल समुदायों के बीच देखा जाने लगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था? द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंक्लूडेड वेरियस एस्पेक्ट। इसमें बहुत सारे क्षेत्र शामिल किए गए थे, जस्ट लाइक लैंड सेटलमेंट। ब्रिटिश वर अगेंस्ट जूम सिस्टम कल्टिवेशन, जो ब्रिटिशर्स थे वो जूम सिस्टम के खिलाफ थे। दैट रिक्वायर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लॉट्स टू लैंड अनदर बिकॉज दे फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल ट्राइबल्स हु वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। क्योंकि जूम कल्टिवेशन में जो ट्राइबल पीपल्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, जिस कारण से ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम थी कि वो उनके ऊपर ईजिली कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकते थे। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशन को एंड करने का सोचा था, टू एंश्योर ईजी कंट्रोल, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स पर ईजी कंट्रोल स्थापित कर सके और उनसे रेगुलर इनकम प्राप्त हो जाए। दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस ए लैंड सेटलमेंट्स। इसके लिए लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया जंगलों की लैंड के लिए और लैंड रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया सभी एरियाज में। इस सेटलमेंट्स में द ब्रिटिश फोर्स ट्राइबल्स टू सेटल डाउन वन प्लेस। इस सिस्टम के तहत ब्रिटिशर्स ने आदिवासियों को फोर्स किया कि वो एक स्थान पर सेटल्ड हो जाएं। एज ए रिजल्ट दे कुड मीजर लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड फिक्स द रिवेन्यू, जिससे कि वो उस एरिया की लैंड को मीजर करके उसके ऊपर फिक्स रिवेन्यू स्थापित कर सके। द ट्राइबल ग्रुप स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रेजिस्टेड दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने ब्रिटिश की इस पॉलिसी का पूरी तरह से विद्रोह किया था। नेक्स्ट स्टेप माना जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मीनिंग होता है व्यापारीकरण, खेती का व्यापारीकरण। व्यापारीकरण क्या होता है? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कमर्शियल एग्रीकल्चर। इस क्षेत्र में कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि गेट रॉ मटेरियल्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, जिससे कि रॉ मटेरियल्स खेती से प्राप्त किया जा सके और उनको इंग्लैंड में स्थापित उनकी इंडस्ट्रीज में भेजा जा सके। इट लेड टू ए प्रैक्टिस ऑफ प्लांटेशन कल्टिवेशन, जिसके तहत प्लांटेशन कल्टिवेशन की जो व्यवस्था थी वो डेवलप हुई, जिसके तहत फूड क्रॉप्स के स्थान पर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाने लगा, जिसमें शामिल किए गए जूट, इंडिगो, रबर, टी। अपार्ट फ्रॉम ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड लेबर, दिस प्रैक्टिस ऑल्सो रिक्वायर्ड लार्ज फील्ड। अब ब्रिटिशर्स के सामने प्रॉब्लम क्या थी? इन तरह की जो कैश क्रॉप होती थी उस पर एक तो मनी का इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक चाहिए होता था और लेबर की भी बहुत अधिक ज़रूरत होती थी, लेकिन इन दोनों के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में फील्ड भी उनको चाहिए होता था। सो द ट्राइबल कम्युनिटीज वर फोर्स टू सरेंडर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट। इस कारण से उन्होंने ट्राइबल समुदाय को फोर्स किया कि वो सरेंडर कर दें और लार्ज एरिया जो है जंगलों का उसको खाली कर दें, जिससे कि जो जंगलों की लैंड है उस पर कैश क्रॉप का कल्टिवेशन ब्रिटिशर्स करा सकें। विच हैड बीन देयर होम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऐसे जंगल जो उनके लिए हजारों सालों से उनके घर थे उनसे वो छीनने का प्रयास किया गया था। दस दिस ब्रोक डाउन द ट्राइबल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। इसके कारण जो ट्राइबल्स की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस व्यवस्था ने उनकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया था। द सिस्टम ऑफ कैश इकोनॉमी। कॉलोनियल अथॉरिटीज, जितने भी कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, अथॉरिटीज थी, ब्रॉट एन एंड टू बार्टर इकोनॉमी। उन्होंने बार्टर इकोनॉमी को अंत करने का प्रयास किया था। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। उन्होंने कैश इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, मीन्स वस्तु के बदले कैश में पेमेंट होना। इट वॉज फॉलोड बाई ए इन्फ्लक्स ऑफ मर्चेंट्स। इसको फॉलो किया गया मर्चेंट्स के द्वारा, मिडल मैन के द्वारा और मनी लेंडर्स के द्वारा, जो इन एरियाज में आते थे और उनके साथ व्यापार करते थे। टू बी यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप, और इस तरह की जो लैंड थी उन पर कैश क्रॉप का कल्टिवेशन शुरू किया जा सका। पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कॉल्ड देम डीकूस। ट्राइबल समुदाय के लोग इनको डीकूस की संज्ञा देते थे। डीकूस का मीनिंग हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसका मीनिंग होता है फॉरेनर्स, विदेशी या फिर आउटसाइडर्स इनको कहा जाता है। द लैंडलेस ट्राइबल्स वर कंपेल्ड टू वर्क ऑन लो पेड लेबर्स ऑन देयर ओन लैंड। अब जो लैंडलेस लेबर्स हो जाते थे, ट्राइबल्स जिनसे लैंड छीन ली जाती थी, उनको फोर्स किया जाता था कम मजदूरी पर एज ए लेबर, मजदूर के रूप में काम करने के लिए। अब वो अपनी ही लैंड पर, जो उनके पास पहले लैंड थी, उसी पर मजदूर के रूप में वर्क करते थे। जंगलों के एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ फॉरेस्ट लॉ को पारित किया था। क्या फॉरेस्ट लॉ थे और उनका क्या इम्पैक्ट था, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट
वी हैव जितना हमने पोर्शन इस पार्ट में डिस्कस किया है उसे आपको बहुत ध्यान से समझना है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ से हम डिस्कस करेंगे. ओके देन, थैंक यू.